मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएस मुर्दाबाद, आरएस मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, क्षत्रिय सम्राट वीर बोध प्रतिहार अमर रहे, अमर रहे, क्षत्रिय सम्राट वीर बोध प्रतिहार अमर रहे, अमर रहे, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, खट्टर मुर्दाबाद, खट्टर। बिलाल भाई आप देखने लग रहे हो गांव शह के अंदर मौजूद, हाँ भिवानी जिले के बुआनीखेड़ा हल्का के अंदर आने वाला गांव शह। फिलहाल आप देख सको हो भाई आप मनोहर लाल मुख्यमंत्री का जो है पुतला बनाया गया है, साथ में देखो आप भारी विरोध चल रहा है और साथ की साथ में देखो आप जो है युवा साथी खड़े है चूड़ी लेकर के, हरी 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 चूड़ियां लेकर के युवा साथी आए है, साथ में जो है मनोहर लाल मुख्यमंत्री का जो है पुतला भी है। तो आप इनसे बात करेंगे भाई, एक बार सुरेंद्र सारे भाइयों ने पहले जो राम राम कर दे, सारे भाइयों ने मेरी तरफ से राम राम, मेरे सह गांव की तरफ से राम राम। तो आज जो थारा विरोध गण का के मतलब है भाई, हम देखा हाँ भाई कहीं महीर बोझ को लेकर के, कहीं मतलब किसी चीज को लेकर के बीजेपी सरकार का जगह जगह पे विरोध चल रहा है, आज जो है गांव शह के अंदर जो है आपका विरोध गण का के मकसद है? हमारा मकसद ये है हमारे समाज के साथ बीजेपी और आरएसएस मिलके हर बार अन्याय करती है, और अभी कैथल में मीर बोझ प्रतिहार के ऊपर एक प्रकरण चला था, उसमें हमारे निर्दोष भाइयों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उन भाइयों को चोट भी आई। हमारी मांग ये है जिस बीजेपी सरकार के कहने पर, उन नेताओं के कहने पर लाठी चार्ज की गई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे सरकार, और वहाँ का शिक्षा मंत्री है जो कंवरपाल गुर्जर, उसको पद से हटाया जाए। दूसरी बात, जो हमारे क्षत्रिय समाज के नेता हैं वो हमारे क्षत्रिय समाज का साथ नहीं दे रहे, जितने भी जो किसी भी पार्टी से, कांग्रेस से, बीजेपी। तो आज ये देख सको भाई हरी हरी चूड़ियां लेकर के भाई जो है यहाँ पे मौजूद है, देख सको हो जिस प्रकार नई नवेली दुल्हन को हरी हरी चूड़ियां प्राइजा है, उसी प्रकार आज जो है भाई यहाँ पे देख सको चूड़ी लेके मौजूद है। तो इन चूड़िया के क्या हाथ लगे? चूड़ी उनके लिए है जो हमारे क्षत्रिय समाज के नेता है, जिन कुर्सी का लालच है उनके लिए समाज कुछ नहीं, उनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है, समाज से मतलब नहीं। चूड़ी उनके लिए है, उनके लिए है, और आगे तो ये चूड़ी उनको छोटी तो नहीं रह जाएगी, छोटी पड़ जाएंगी, उस गांव सारा खड़ा और खरीद के दे देगा उनको, चुन्नी लेगा चुन्नी भी। हाँ भाई, और उनके तो भेज देवांगे। हाँ भाई, और भेज जाए भाई, बिल्कुल। हाँ भाई, बिल्कुल और भेज जाए। फिलहाल बात करा भाई आपने गांव शह का जो है युवा सरपंच है और आपका सहमी है, उन पर भी बात करेंगे। तो भाई मतलब क्या ये जायज है जो एक महीर बोझी सम्राट, वीर सम्राट महीर बोझी को लेकर एक जातिवाचक शब्द जोड़ दिया गया है, क्या ये उचित है? ना जी, बिल्कुल गलत है जी। हमारे समाज के अंदर जो चले सम्राट वीर बोझ राजपूत है, ये गुजर कैसे बना दिया, ये मूर्ति लगा दी भी उसके विरुद्ध में रवास वाले गोले फेंके जा रहे, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब तो हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग कर दिया, बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में ही गिर दिया। अच्छा, तो फिलहाल हमारे साथ में और भी साथी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई आपका क्या कहना है इस मामले के बारे में? भाई यही कहना है कि ये गलत है भाई, वैसे इतिहास के ऊपर हमारे पूर्वज हैं, वे सदा ही रहे हैं और भी रहेंगे। इतिहास तो वैसे गुजर शब्द है, गुजर शब्द एक सथल शब्द का नाम है जो सथान एरिया का बोला जाता है, हाँ। वही गुजर शब्द है, हाँ। लेकिन इतिहासकारों को देखा जाए परियार गोत्र के गुजर कास्ट में परियार नहीं होते, ये सिर्फ राजपूत क्षत्रिय कास्ट में ही मिलेंगे। वैसे इतिहासकारों की बात देखें, वे भी अपने भाई हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना सबसे बड़ी गलत बात है। फिलहाल आपने बता दूं भाई, आप फिर मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, ये हरी हरी चूड़ियां लेकर आए हैं उन नेताओं के लिए जो राजपूत समाज के हैं और इनका खुल के जो है साथ नहीं आ रहे उनके लिए। तो भाई और मतलब राजपूत समाज के और नेता है, उन तक ये कहना चाहूंगा उनसे लिए हमारा यही है, जितने भी क्षत्रियों के गाँव हैं अगर वो समाज के साथ नहीं है तो उन गाँव में घुसने नहीं दिया जाएंगे। हर गाँव में बोर्ड लग रहे हैं भाई, बीजेपी सरकार के नेताओं का गांव में, सह गांव में बहुत जल्द बोर्ड लगने वाला है। बीजेपी का विरोध हम करते हैं, करते रहेंगे, और कल खट्टर ने किया भी समझौता हो गया, वो कोई समझौता नहीं हुआ, वह दो चार पांच आदमी गए थे, वो बीजेपी के और आरएसएस के पदाधिकारी थे, उनने कुर्सी से लालच था, वो गए हैं। जो समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं वो वहाँ समझौता करने के लिए नहीं गए खट्टर के पास। तो और मैं बात करूं भाई, बोर्ड लगाने के बाद में अगर कोई भी नेता अगर अंदर घुस जाता है तो फिर के वो अपनी जान मान का जिम्मेवार खुद होगा।
अच्छा, अगर हमारी सुनता नहीं है तो सरकार, अगर हमारी सरकार सुनती नहीं है तो उसके बाद की बात है ये। अच्छा, तो उसके बाद में अगर नाम हटाया जाए, हर एक मूर्ति एक अम्बाला में भी हैं, करनाल में भी है, कैथल में कई जगह बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, सब बोर्ड पाटे और हर जगह से नाम हटाया जाए। के नाम हटाया जाए, विवाद किस नाम को लेकर? विवाद एक विशेष जाति के नाम से है। अच्छा, यानी कि विशेष जाति का नाम नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए जाति के नाम से, क्षत्रिय था क्षत्रिय का ही नाम हो। फिलहाल आप देख सको हो भाई, और उसी के साथ में हमारे साथ में जो है तेजपाल जी जुड़े हैं, जो समय समय पर जो है विशेष अभियान चला के राजपूत समाज को जगाने का काम करते रहते हैं। तो आइए तेजपाल सीधे बात करें भाई, तेजपाल हर चीज में मतलब आप ही आगे क्यों पाओ हो? हर चीज़ में तो क्या कह सकते हैं, लेकिन हाँ इस मुद्दे में, इस प्रकरण पे आप मुझे लगभग ज़्यादा जगह पे आपने देखा है। उसका कारण यही है कि मैं जो था वो वहाँ पे जो प्रकरण था वहाँ पे शामिल था, उस प्रकरण में जेल में गया, लाठी चार्ज में था और गैस का प्रभाव में था, जो मेरे ऊपर गैस हुई। तो इन भाइयों को पता है, सबको पता लग चुका, अपने गांव में उस घटना को बताने के लिए ये भाई मुझे बुला लेते हैं और मुझे वहाँ पे जाना पड़ता है। आज ही मेरे पास में यहाँ से विनोद जी है शह से, इनका फ़ोन आया था कि भाई आप आओ और अपने समाज को बताओ। तो इन तो जो है ऐलान कर दिया है, अगर सरकार इस मामला के ऊपर ध्यान नहीं दे है तो बीजेपी के किसी भी नेता को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा और वो अपनी जान माल का खुद जिम्मेवार होगा अगर कोई नुकसान होता। तो कल इस मुद्दे पे भी आप जो है उनके साथ में रहोगे या मतलब उनसे अलग रहोगे? नहीं नहीं, मतलब ही नहीं है, उनके साथ में किस लिए रहेंगे? जो हमारे समाज के साथ है हम उसके साथ हैं, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है हमें। अब उनको वो बीज ना, तो उनकी वो हालत होगी धोबी का कुत्ता घर का नगाट का, ना तो वो बीजेपी में उनका कुछ होना ना समाज में किमें होना। राजपूत समाज की बात आते हैं तो राजपूत समाज के नेताओं का कहना है भाई, जो उन्हें खुफिया सूत्र रामपल का वालत खबर आई है, राजपूत समाज के नेताओं का कहना है भाई तेजपाल तो जो उन्हें एक राजनीतिक रहे। वो कह सकते हैं क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार की बातों का प्रचारित करेंगे। तो इसमें आप अपनी तरफ से कोई राजनीति नहीं कर रहे? क्या राजनीति है इसमें? भाइयों का साथ है, भाई के साथ में उठ गए, इसमें क्या राजनीति है? भाइयों का हम समाज के साथ है, हमारे तो आग इस बात की लाग रही है बीजेपी ने हमारे साथ केक रहा है, इस मारी हम ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम में पहुंचने की कोशिश करा। हाँ फिलहाल आप देख सको और हमारे साथ में और युवा साथी जुड़े सहते उनसे भी बात करांगे। भाई आपका क्या कहना है इस मामले में? भाई नू है राजपूता ने इस देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया, 562 रियासत दी है, युद्ध लड़े हैं, जोर करे हैं माता बहनाओं ने, और आज एक किसी भी मूर्ति को पर किसी भी दूसरी जाति का टैग लगा के उसको किया जा रहा है, वो बहुत बड़ा गलत है। तो जिस प्रकार आज जो है गांव ने, आपके गांव ने फैसला लिया है भाई इस मामले के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती तो जो है किसी भी बीजेपी नेता का गांव में बढ़ने के ऊपर जो है कड़ा विरोध किया जाएगा और वो अपनी जान माल का खुद जो है जिम्मेदार होगा। बिल्कुल भाई, जो हमारे समाज का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। फिलहाल आप देख सको भाई कितना जो है रोष है युवाओं में, एक बार कैमरा मैन देखूंगा भाई उस तरफ जो है जा करके दिखाए कैमरा सारे भाई ले लो। फिलहाल आप देख सको भाई जिस प्रकार गांव के जो युवा है संगठन है वो फिलहाल आप देख सको बीजेपी सरकार का जो है मुख्यमंत्री का पुतला है उसको जो है चूड़िया पहनाने का जो है काम कर रहे हैं। फिलहाल जो हम दर्शक से ये कहूंगा भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और इस मामले के ऊपर जो है कॉमेंट जरूर करे। हमारे समाज के कुछ नेताओं ने बीजेपी सरकार से कम से कम 100 भाइयों ने इस्तीफा दे चुके हैं वो लोग, और आगे भी इस्तीफा देने का काम जारी रहेगा जब तक ये सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी। फिलहाल जो है मैं यही कहूँगा भाई दर्शक था ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें और इस मामले के ऊपर कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें। राजनाथ सिंह बीजेपी सरकार शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद।